भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच नई हॉटलाइन सेवा शुरू होने जा रही है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और जिम मैटिस जल्द ही हॉटलाइन पर एक दूसरे से संपर्क करेंगे। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रियल टाइम कम्युनिकेशन और सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। हॉटलाइन को शुरू करने का मकसद नौकरशाही से जुड़ी लाल फीताशाही को खत्म करने की दिशा में काम करना है। साथ ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की अहमियत से जुड़े मुद्दों पर लगातार बातचीत को बढ़ावा देना है। साल 2015 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। वर्तमान में अमेरिका के NSA जॉन बोल्टन और भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच डायरेक्ट हॉटलाइन की सेवा उपलब्ध है। 6 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 डायलॉग होना है और इसी दिन हॉटलाइन सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत के साथ ही दो मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार की वजह से लगने वाला लंबा वक्त सिमट कर छोटा हो जाएगा और कम समय में ही संबंधित मंत्रालय बड़े फैसले ले सकेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच नई हॉटलाइन सेवा शुरू होने जा रही है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और जिम मैटिस जल्द ही हॉटलाइन पर एक दूसरे से संपर्क करेंगे। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रियल टाइम कम्युनिकेशन और सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। हॉटलाइन को शुरू करने का मकसद नौकरशाही से जुड़ी लाल फीताशाही को खत्म करने की दिशा में काम करना है। साथ ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों की अहमियत से जुड़े मुद्दों पर लगातार बातचीत को बढ़ावा देना है। साल 2015 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। वर्तमान में अमेरिका के NSA जॉन बोल्टन और भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच डायरेक्ट हॉटलाइन की सेवा उपलब्ध है। 6 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच पहला 2+2 डायलॉग होना है और इसी दिन हॉटलाइन सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत के साथ ही दो मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार की वजह से लगने वाला लंबा वक्त सिमट कर छोटा हो जाएगा और कम समय में ही संबंधित मंत्रालय बड़े फैसले ले सकेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।